उसका एप्लीकेशन देखिए उसको कंसोलिडेट करिए और उसको रिवाइज़ करिए टेकिंग एक्शन ऑन द नॉलेज यू पर्जेस जो होता है इसको बोलते हैं स्टडी सो द पॉइंट इज aimlessly हमें स्टडी नहीं करना है हम जो भी पढ़ रहे हैं बिकॉज जो नेक्स्ट फोर फाइव मंथ्स हैं ये बहुत क्रूशियल होने वाले हैं बी वेरी सेलेक्टिव और जो हमने पढ़ा है वो हमें स्टडी को हमें बैंक भी करना है

ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड और साइमल्टेनियसली हम एनवायरमेंट इकोलॉजी भी करेंगे सो अवर टारगेट वुड बी बाय द एंड ऑफ से मंथ ऑफ जनवरी बिफोर नोटिफिकेशन हमारे ये सारे कोर्स सब्जेक्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स विजिट दिस वेबसाइट सजन इंडिया डॉट वन एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या उन्हें प्रीवियस वीडियोज और नोट्स अवेलेबल होंगे द आंसर इज ऑफकोर्स येस आप सारे वीडियोज जो हैं सारी क्लासेस हैं उनको आप देख सकते हैं प्लस यहाँ कुछ रिवीजन मॉड्यूल्स भी होंगे तो यू कैन हैव दिस रिवीजन मॉड्यूल में भी सारा रिवीजन हो जाएगा सो वी विल स्टार्ट विद दिस फंडामेंटल्स ऑफ जोग्राफी ये प्राइमरी बुक्स होंगी लॉर्ड्स मोर में वी विल कवर सम अदर बुक्स एज वेल और हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे दिस सिलेबस को दिस ऑल थिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स ओके नाउ दिस इज टेलीग्राम क्वेज एवरीडे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग फाइव सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जॉइन ये वोकेबुलरी है कॉम्पलासेंसी कॉम्पलासेंसी का मतलब है अ फीलिंग ऑफ स्मग अनक्रिटिकल सेटिसफैक्शन विद वन सेल्फ आप अब सेल्फ अप्रूवल है आप आगे ग्रोथ एंड प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं दैट इज कॉम्पलासेंसी इंट्यूटिटिव का मतलब है लाइक इंस्टिंगटिव है इंस्टिंगटिव है इंट्यूशनल है इंस्टिंगचुअल है एक्डिटी मतलब होता है बिटरनेस हार्शनेस सीवेरिटी इंटरडिक्ट मीन्स होता है पाबंदी प्रोहिबिशन एंड ऑथोरिटेटिव प्रोहिबिशन प्रोफंडिटी का मतलब होता है बुद्धिमत्ता डीप इंसाइड ग्रेट डेप्थ ऑफ नॉलेज और थाट सो ये वो कैब वर्ड्स हैं आज के लिए प्रोफंडिटी इंटरडिक्ट्रिडिटी इंट्यूटिव एंड कॉम्पलासेंसी इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो दिस इज क्विज टू टू जीरो आंसर्स फादर ऑफ इंडियन रनासंस है राजा राम मोहन रॉय जी सरोजनी नायडू जी ने लिखा है द रॉयल टूम्ब ऑफ द रॉयल टूम ऑफ गोलकोंडा द स्नैक चार्मर एंड द क्वींस राइवल आज़ाद हिंद फौज फाउंड हुआ था सिंगापुर में बाल गंगाधर तिलक जी ने फेमस न्यूज पेपर केसरी के एडिटिंग की थी वी डी सावरकर जी ने अभिनव भारत फाउंड किया था उन्नीस सौ चार में आज के सवाल हैं हु गेव द स्लोगन जय हिंद हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वेर डिड सॉल्ट मार्च एंड किस जगह पर वेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हु इंट्रोड्यूस रेत सिस्टम इन मद्रास सो so ये पांच सवाल हैं आज के लिए ये सी सेट के सवाल हैं और ये इसका सोलूशन है कल ये दो सवाल आपको दिए थे डेली बेसिस में सॉल्व दीज टू क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन ये मैं पी में प्रोवाइड कर रहा हूँ गो थ्रू इट वंस जो स्टैंड अलोन क्लासेज होंगी पी डी एफ दिस सी सेट की वो हम स्टार्ट करेंगे फेबररी में फेबररी में तो दिस इज अगेन टूडेज क्वेश्चन ये पहला सवाल है सी दिस क्वेश्चन एंड आंसर हाउ मेनी सच पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड क्ट नॉन जीरो कौन से हो सकते हैं आंसर ये सोशल मीडिया अपडेट है आज आंसर राइटिंग का ऑफ है फ्राइडे सैटरडे संडे अभी तीन दिन ऑफ रहेगा मंडे से वी विल रिज्यूम सी अभी एक टर्म न्यूज में है दैट इज एन कैप एन कैप सो द पॉइंट इज कि क्लीन इंडिया क्लीन एयर इज अवर गोल इसमें फाइव नेशनल मिशन है फाइव नेशनल मिशन है एन के और वो आ गए हैं मेन स्ट्रीम हो गए हैं एनकेप के अंदर सो वॉट इज एन कैप एनकेप इज इंक्लूडिंग काइंड ऑफ लाइक फाइव नेशनल मिशन जो हैं जो रिड्यूस करना चाहते हैं कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को वो सब अब इसके अंदर स्टैंड अलोन आएंगे अब ये मिशंस मिशन कौन से हैं नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशेंसी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया एंड नेशनल सोलर मिशन तो ये पांच मिशन हैं पांच मिशन हैं दिस जो एनकेप के अंदर आएंगे ये जी ट्वेंटी का जो समिट है इसमें हम इंडियन कल्चर इंडियन कल्चर इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं जी ट्वेंटी अभी इंडिया में होगा सो दिस इज गया बिहार की कास्ट कला वुड गया की काष्ट कला की लोकप्रियता पूरी दुनिया में है इस कला में आकृतियों को बनाने के लिए कारीगर गम्हार गम्हार की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ के अधिकांश आकृतियों में भगवान बुद्ध की झलक देखने को मिलती है सो दिस इज इंडियन वुड क्राफ्ट्स तो गया बौद्ध अनुयायियों और तीर्थयात्रियों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है बौद्ध अनुयायियों के लिए यहाँ के स्थानीय शिल्पकार अपनी आजीविका दिस लाइवलीहुड के लिए लकड़ी से भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने का काम करते हैं और यहाँ पर वुड होती है गमार की गमार की लकड़ी होती है और उससे ये प्रोडक्ट बनता है आप बताओ बिहार का जो ज्योग्राफी जो है तो यहाँ किस टाइप का फॉरेस्ट होगा किस टाइप का फॉरेस्ट होगा लाइक like, ट्रॉपिकल सेमी लाइक दैट टाइप टाइप ऑफ ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट आपको मिलेगा बिहार में देन लुक एट दिस फोटोग्राफ ये प्राचीन थांगटा युद्ध कला शैली है आप बताइए ये किस राज्य से संबंधित है तो थांगटा मार्शल आर्ट डांस फॉर्म का फॉर्मेट है इसमें तलवार ढाल भाले जैसे अस्त्रों और शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है प्राचीन काल में इस कला से अपनी जनता की रक्षा के लिए राजाओं के साथ सैनिक को भी सिखाई जाती थी सो दीज आर मार्शल डांस आर्ट फॉर्म्स तो ये किस राज्य से संबंधित है आप बताइए आज 30 दिसंबर है 30 दिसंबर 1943 को एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेट था हिस्ट्री का इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी ने हॉस्ट किया था नेशनल फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन सॉइल एट पोर्ट ब्लेयर तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेज किया था नेशनल फ्लैग जिम खाना ग्राउंड पोर्ट ब्लेयर में और अंडमान निकोबार को फ्री बता दिया गया था ब्रिटिश रूल से तो पोर्ट ब्लेयर वाज़ द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी टू तो बी लिबरेटेड फ्रॉम द इम्पीरियल रूल जो फर्स्ट फ्लैग है फर्स्ट फ्लैग हॉस्टिंग हुआ था पोर्ट ब्लेयर में शहीद द्वीप देन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं अंडमान आइलैंड को उन्होंने बिकॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद द हेल्प ऑफ जैपनीज आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी थी ये इस तरीके से इंडिया को यहाँ कॉन्कर करते हुए आगे आ रहे थे इंडिया को ब्रिटिशर्स से रिलीज करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी आज़ाद हिंद फौज की तो इट वॉज लिबरेटेड बाई जापान विच इट कैप्चरड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर में पोर्ट ब्लेयर सर्वड एज दैडक्वाटर ऑफ दिस आज़ाद हिंद गवर्नमेंट और नेताजी ने ही इसको रीनेम किया था अंडमान आइलैंड को शहीद और निकोबार आइलैंड को एज स्वराज तो दैट इज़ वाई दिस थर्टी ऑफ दिसंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट थर्टियत ऑफ दिसम्बर नाइनटीन फोर्टी थ्री और ये है दिस इज शहीद द्वीप दैट इज़ अंडमान और निकोबार है स्वराज द्वीप स्वराज द्वीप अब हम आते हैं न्यूज पेपर में तो दिस इज द फर्स्ट न्यूज फॉर टुडे यहाँ पर बात है फाइटर जेट्स टेस्ट लैंडिंग फैसिलिटी इन ए पी एंड ब्राजील दिस इज सैड न्यूज ब्राजील फुटबॉल लेजेंड पेले पास अवे और यहाँ पर न्यूज है रिमोट ई वी एम रेडी टू तो हेल्प माइग्रेंट्स वोट आउटसाइड स्टेट सी रिमोट ई वी एम कल ही हमने पढ़ा था जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है एक बहुत अच्छा पी डी एफ मैंने पी आर एस का आपको टेलीग्राम पे सेंड किया है हैव अ लुक सो द पॉइंट इज इंडिया में वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए रिमोट वोट ईवीएम उसका एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है यू नो ई बिकॉज आप एक शहर में हैं सपोज यू आर अ द लाइट दैली से हैं बट आप वर्क कर रहे हैं पुणे में या वर्क कर रहे हैं बेंगलोर में तो अगर दिल्ली में कोई चुनाव होता है तो आप वहाँ पे अपने मत मतदान का प्रयोग नहीं कर पाएंगे बिकॉज एट टाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता कि आप बेंगलुरु से वापस दिल्ली जाएं या फिर पुणे सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया से वापस अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएँ वोट कास्ट करने के लिए सो so उसके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रिमोट ई रिमोट ई तो यहां ऐसी मशीन बना रहे हैं हम और उस मशीन में मल्टीपल कॉन्स्टिट्युएंसी का प्रोविजन होगा फॉर एग्जाम्पल रिमोट पोलिंग बूथ है यू आर लाइक रजिस्टर्ड इन अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्युएंसी बट सम अदर प्लेस सम अदर प्लेस से जाके अपनी आप खुद की कॉन्स्टिट्युएंसी में वोट कास्ट कर पाओगे तो इसका प्रोटोटाइप है अभी जनवरी 16 को आएगा इसमें अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे लेट अस वेट फॉर दिस जनवरी 16 सो दिस इज आरवीएम मशीन अलाउ माइग्रेंट वोटर्स लिविंग आउटसाइड देयर होम कॉन्स्टिट्युएंसीज टू वोट फ्रॉम देअर करंट रेसिडेंस दिस इज रियली गुड रिमोट वोटर मस्ट रजिस्टर ऑनलाइन ऑफलाइन विद इन अ प्री नोटिफाइड टाइम बिफोर द इलेक्शन विद देयर होम कॉन्स्टिट्युएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर सो ऑल यू हैव टू डू इस पहले आप एक रजिस्ट्रेशन करा दो उसके बाद जब चुनाव का दिन आएगा तो आप रिमोटली अपना वोट कास्ट कर पाओगे वोटर विल भी अप्रूव्ड फॉर द रिमोट वोटिंग फैसिलिटी तो बूथ होगा वो आपके जो करंट होम है उसके आसपास पास ही सेटअप किया जाएगा आर एक सिंगल बैलेट यूनिट होगा और इसमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्युंसीज रजिस्टर हो सकती है सिंगल पोलिंग स्टेशन में तो इस तरीके के चेंजेस किए जा रहे हैं लेटेस्ट वेट एंड वॉच इलेक्शन कमीशन का एक काम ये भी होता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना रिफॉर्म्स लाना हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है वोटिंग परसेंटेज इज वेरी लेस 60 65 70 इज नॉट गुड एट ऑल वाइब्रेंट और एक्टिव डेमोक्रेसी के लिए वोटर पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है और उसका ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है रिमोट वोटिंग मशीन तो पैनल ने ये कॉन्सेप्ट शेयर किया है और इसमें अभी और लेटस ही लेटस वेट एंड वॉच लीगल ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या हैं ये सारी चीज़ें अभी सिक्सटीन को ई बहुत डिटेल में बताएगा तो कमीशन ने बोला है व्यूज़ मांगे हैं डिफरेंट पार्टीज़ के और इससे इससे क्या होगा कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा बट अब इसके काउंटर ऑब्जेक्शन भी आ सकते हैं कि ई जो हैं क्या वो इस टाइम पे उनकी रिलायबिलिटी क्या यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ तो नहीं आएंगे तो दैट इज वाई एम सेइंग लेट इज वेट एंड वॉच अभी बस ये कॉन्सेप्ट है इसका जो प्रोटोटाइप है वो अभी जनवरी 16 को डिमॉन्स्ट्रेट होगा सो so, अभी बस हमें इतना जानना है कि व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस रिमोट वोटिंग रिमोट वोटिंग ओके देन आर टी पी सी आर नेगेटिव रिपोर्ट मस्ट है कंट्रीज तो अगेन हम हम यहाँ पर कोविड नाइनटीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में कोविड नाइन्टीन के स्प्रेड को फार्माफॉर्म फेसिस इंक्वायरी ओवर दिस कफ सीरप कफ सीरप में इरेग्यूलैरिटी आया था और अब वहाँ पर इंक्वायरी की बात है जैसे सी डी एस सी ओ है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और जो कप सिरप यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है उसमें कुछ डिफिकल्टी आया है लेट लेटस अगेन वेट एंड वॉच इसमें थोरो टेस्टिंग होना थोरो इंक्वायरी होना जरूरी है स्क्रूटनी ज़रूरी बिकॉज मेडिसिन आर नॉट सपोज टू किल द पेशेंट मेडिसंस आर सपोज टू लाइक हेल्प उसकी हेल्थ बेहतर होनी चाहिए हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं होनी चाहिए और इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है तो सच टाइप ऑफ जो केसेस आते हैं ये हमारी रेपुटेशन के लिए अच्छे नहीं हैं इंडिया का सी ए डी वाइडन हो गया क्वार्टर टू में टू ना ही नियर हाई ऑफ फोर पॉइंट फोर परसेंट तो इंडिया का करंट अकाउंट जो बैलेंस है वो वाइडन हो गया है करंट अकाउंट बैलेंस टॉपिक को हम अलग से अभी देखते हैं देखो एक वर्ड होता है उसको हम पहले समझते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट डेफिसिट तो सी करंट अकाउंट के कॉम्पोनेंट क्या होते हैं जैसे डेफिसिट कब होगा जब आपकी आमदनी कम है और खर्चे आपके बहुत ज्यादा है तो ओवरऑल डेफिसिट हो गया तो करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है इम्पोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे हैं. तो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में हम डेफिसिट में आ जाते हैं डेफिसिट में आ जाते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट कैलकुलेट करता है ट्रेड में जो डेफिसिट है नेट इनकम और नेट ट्रांसफर जैसे कल परसों हमने देखा था रेमिटांस क्या होता है रेमिटांस प्लस दिस ट्रांसफ़र ऑफ मनी भी होता है तो ओवरऑल कितना पैसा इनकमिंग एंड कितना पैसा आउट गोइंग इफ़ आउट गोइंग इज ग्रेटर देन इनकमिंग तो देर विल बी अ केस ऑफ डेफिसिट तो ट्रेड डेफिसिट मतलब इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट नेट इनकम मतलब जो इनकम अर्न की है एम ने इन्वेस्टमेंट के थ्रू नेट ट्रांसफर में रेमिटांस गिफ्ट डोनेशन ऐसी चीज़ें आ सकती है सो वॉट इज दिस दिस इज करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट अब बात आती है करंट अकाउंट डेफिसिट को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं तो बहुत सारा हो सकता है जैसे कंज्यूमर इम्पोर्ट्स स्पेंडिंग अगर हम बहुत सारी चीज़ों विदेशी सामान को बुलाने लग जाएंगे फॉरेन इम्पोर्ट होने लग जाएगा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का तो ऑब्वियसली सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो कंज्यूमर इम्पोर्ट्स स्पेंडिंग ये सिमिलर टाइप ऑफ केस हुआ था श्रीलंका और नेपाल में कैपिटल फ्लो फ्रॉम अब्रॉड बाहर से कितनी कैपिटल इंडिया में आ रहा है एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है अभी एट्टी टू एटी डॉलर हो गया तो इट इज़ अ डिफिकल्टी क्रूड ऑयल अब बहुत महंगा पड़ रहा है हमें बाहर से इम्पोर्ट कराना इन्फ्लेशन रेट्स रिलेटिव क्या है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इकॉनमी है या नहीं है प्रोडक्टिव है हम सेविंग रेट्स क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं करंट अकाउंट को या तो डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा इन सब फैक्टर्स पे डिपेंडेंट अब स्ट्रक्चरल डिफ़िकल्टी आती है अगर डेफिसिट हो रहा है जैसे इंडिया का केस है स्ट्रक्चरल डेफिसिट defi, def, क्या होता है जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम है लो प्रोडक्टिविटी है या फिर हायर रिलेटिव इन्फ्लेशन कुछ टाइम से चल रहा है आर एंड डी हम नहीं कर पा रहे सब इम्पोर्ट रेडीमेड बुलाना पड़ रहा है लोअर कॉस्ट कॉम्पिटिशन कुछ नहीं आ रहा है इमरजेंस ऑफ लोअर कॉस्ट कॉम्पिटिशन सो द पॉइंट इज़ इससे हमारा डेफिसिट हो रहा है डेफिसिट हो रहा है द पॉइंट इज इंडिया प्राइमरली हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम हो रहा है अब ये एक साइक्लिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है जैसे कि ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है डॉलर के मुकाबले रुपये बहुत ज़्यादा कम हो गया है या फिर डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई है इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है रेसेशन है एक्सपोर्ट मार्केट में ये प्राइमरली रीज़न है आज की डेट में जैसे रेसेशन कहाँ चल रहा है यूएस में यूरोप में ग्लोबल प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स स्लम हो गया तो फ़ायदे का मार्जिन कम हो गया डिमांड फॉर इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी हो रहा है मोबाइल फोन हम सारे इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इन सब से हमारा स्ट्रक्चरल डेफिसिट आता है साइक्लिक डेफिसिट भी आता है करंट अकाउंट में तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है अनकॉम्पिटेटिव एक्सपोर्ट हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट सेक्टर एंड हायर इन्फ्लेशन अब इससे इफेक्ट्स क्या होते हैं तो सी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इससे हमारा परचेजिंग जो है या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में हमारा जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा वीकन हो जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होना चाहिए जैसे चाइना है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है तो चाइना के पास लाइक जो बैलेंस वगैरह होता है और चाइना के जो रिजर्वस भी हैं वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं तो द पॉइंट इज़ इफेक्ट्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो हो गया डेप्रिशिएशन हो रहा है फॉरेनर्स अपने डोमेस्टिक एसेट्स को ओन करने लग जाएंगे हमारी सोवरिटी जा सकती है अनकोम्पिटिटिव रहेंगे और कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जैसे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ वो पॉसिबल है सो so, जो ये न्यूज़ है 4.4 परसेंट का जो डेफिसिट भी हो रहा है हमारा तो विच इज अगेन नॉट राइट नॉट राइट ओके सो दिस इज़ दिस न्यूज़ अब ये हो गया द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू नेक्स्ट इज बूस्ट फॉर ग्रीन एनर्जी दिल्ली गवर्नमेंट क्लियर्स ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी तो सोलर इज अगेन गुड बिकॉज दिस इज नॉन पॉल्यूटिंग प्रॉब्लम्स क्या आती हैं सोलर पैनल में कैन यू आइडेंटिफाई क्या सोलर एनर्जी एक पेनेशिया है वॉट आर द करेंट चैलेंजेस प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं वेन इट कम्स टू सोलर एनर्जी के बारे में फुल थ्रोटल आगे बढ़ने पर पुलिस टू डिप्लॉय ओवर एटीन थाउजेंड पर्सनल ऑन न्यू ईयर्स ईव देखो अभी न्यू ईयर का ईव एव है एवरीबडी को यहाँ पे बड़ा रेस्पॉन्सिबल रहने की ज़रूरत है लाइक न्यू ईयर इज़ अ टाइम लाइक सेलिब्रेशन न्यू रिजोल्यूशन न्यू स्टार्ट न्यू बिग्निंग एट्सेट्रा तो यह एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए अदरवाइज क्या होता है पुलिस और सिक्योरिटी ट्रैफिक एट्सेट्रा इन सब में एक बहुत डिफ़िकल्टी आ जाती है और ये जो टाइम होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हो जाता है तो सी एवरी बडी रेस्पॉन्सिबिलिटी है न्यू ईयर को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिस सेलिब्रेट करना जरूरी है और जो ड्रिंक एंड ड्राइव है ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं होना चाहिए देन दिस इज मेट्रो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री थ्रू द क्रिस्टल बॉल क्रिस्टल बॉल तो काफी सारी मूवीज वगैरह ये सब यहाँ पे बताया है कोविड भी है सी दैन डैश ऑफ एलिगेंस स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा होता है दैन इमरजेंसी लैंडिंग रन वे रन वे फैसिलिटी टेस्टेड सक्सेसफुली हम अक्सर ऐसा टेस्ट इसलिए करते हैं कि इनकेस जैसे वॉर टाइप सिचुएशन है हमारे एयरपोर्ट्स जो रेगुलर फौज के हैं या डोमेस्टिक हैं वहाँ डिफ़िकल्टी है लैंडिंग कराने पर तो इमरजेंसी सिचुएशन में जो हमारे हाईवेज़ हैं नॉर्मल हाईवेज़ हैं यहाँ पर भी ये प्लेन लैंड होने चाहिए यह ऐसा हम करने की कोशिश करते हैं तो ये इमरजेंसी लैंडिंग अभी यहाँ पे टेस्टेड सक्सेसफुली हुआ तो इमरजेंसी लैंडिंग रनवे रनवे है नेशनल हाईवे नंबर सिक्सटीन पे हुआ ये आंध्र प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया इस एक्सरसाइज को और फाइटर जेट्स ने यहाँ पर सक्सेसफुल लैंड किया दो सुखोई सु थर्टी एयरक्राफ्ट थे इंडिजीनसली डेवलप्ड एल तेजस भी था ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ए भी यहाँ पर सक्सेसफुली लैंड हुआ तो द पॉइंट इज दिस इज अगेन रिक्वायर्ड ऐसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते रहते हैं सो दैट हम हमेशा वॉर रेडी रहे वॉर रेडी रहे तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये रेडी रहना चाहिए हाईवेज जिस जो होते हैं रनवेज़ होते हैं यहाँ पे हम ट्राई करते हैं

ज एडिटोरियल देन दिस एडिटोरियल इज अबाउट क्रेडिट चैलेंज क्रेडिट मतलब जैसे कुछ भी काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है क्रेडिट चैलेंज तब होता है जब इकॉनॉमी में लिक्विडिटी नहीं है पैसा नहीं है इकोनॉमी में लिक्विडिटी नहीं है पैसा नहीं है तो बिजनेस उससे इम्पैक्ट होता है आप नए वर्क स्टार्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज यू नो अगर इकोनॉमी में वर्क करना है तो उसके क्या होते हैं फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आप बताइए फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है तो क्रेडिट चैलेंज है रिपोर्ट है आरबीआई का ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया और ये बता रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ हैव रिबाउंडेड स्मार्टली बैलेंस शीट बेटर दिख रहा है डबल डिजिट एक्सपेंशन दिख रहा है लेट अस सी अभी पैंडेमिक हिट ईयर है दो बैक टू बैक ईयर गए 2020-21, 22 में भी सी टूवर्ड्स चाइना में फिर डिफ़िकल्टी हो रहा है तो इससे क्या होता है बिजनेस सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं और जो फ्लो ऑफ पैसा है फ्लो ऑफ मनी है सर्कुलेशन जो होता है इकोनॉमी में मनी का वो स्टॉप हो जाता है रिटेल इन्फ्लेशन ज्यादा है स्टेबिलिटी है नहीं तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो पैसे की पावर कम हो जाती है इरोजन ऑफ मनी होता है सो so, इससे कॉन्फिडेंस कम होता है अब प्राइस स्टेबिलिटी इ रूडिंग सेवर्स रियल रिटर्न जैसे आपने बैंक अकाउंट में जो पैसा सबमिट किया है डिपॉजिट किया है अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो बैंक आपको चार प्रतिशत इंटरेस्ट दे रहा है इन्फ्लेशन साथ चल रहा है तो थ्री परसेंट पर एनम से योर मनी इज गेटिंग डिटेरियोरेटेड तो कॉन्फिडेंस टू सेव रियल एंड रियल रिटर्न कॉन्फिडेंस टू सेव बैंक्स है एफर्ट्स टू शोर अप डिपोजिट्स टू हेल्प फंड क्रेडिट डिमांड तो बैंक्स भी अभी पिछले कुछ टाइम से रेट्स को बढ़ा रही हैं रेट्स को बढ़ा रही है तो द पॉइंट इज लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू लैंड जब इकोनॉमी है ग्लोबल स्लो डाउन भी है तो पैसे की जो अवेलेबिलिटी है उसका कॉस्ट क्या होगा ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा क्विकनिंग ऑफ क्रेडिट ग्रोथ है आरबीआई बैंक्स को अर्ज कर रहा है कि लोन स्लिपेज नहीं हो मतलब लोन स्लिपेजेस लोन लॉसेज एक्सेट्रा नहीं हो हेल्थियर एंड प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करें सो so, ये जनरल आर के इंस्ट्रक्शनज हैं सारे कमर्शियल बैंक्स को भी अदरवाइज कमर्शियल बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं उसको कई बार राइट ऑफ भी कर दिया जाता है इसके लिए इंसॉल्वेंसी बैंकसी कोड भी है सो लेट सी अब बैड लोन्स जो हैं इसके लिए एक बैड बैंक भी आया है बैड बैंक भी आया है और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसको रिकवर करने की ये कोशिश करता है अभी जो इकॉनॉमी की इस रिपोर्ट ने भी जो बोला है इस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रडिक्शन्स जो होते हैं ना वो एट टाइम्स इस मोमेंट पे उन प्रडिक्शन्स पे हमें डिवेल्प नहीं करना चाहिए व्हाई बिकॉज लेट अस सी इकोनॉमी अभी बहुत वोलाटाइल है और अनसर्टेनिटी ज़्यादा है ग्लोबल हेडविंड्स भी ज़्यादा है सो दैट इज़ वाई जो हमारा अप्रोच है वो सेफ अप्रोच है कि आप इकॉनॉमी के कॉन्सेप्ट समझो जैसे अभी सी का नंबर आया तो वट इज़ सी ए डी ट्रेंड पैटर्न ये सब नहीं हमें समझना है वट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सी ए डी वट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सी ए डी इफेक्ट इम्पैक्ट एट्सट्रा सिमिलरली यहाँ पर ये जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं कि फिजिकल डिसिप्लिन रखना है वॉट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या होता है टाइटर और लाइक ईजियर मोनिटरी पॉलिसी क्या होता है फोकस ऑन दीज वो कैब वर्ड्स वो कैब वर्ड्स ऑफ इकोनॉमी ये है फ्रेंडली नेबर्स यहाँ मालदीव्स की बात है तो so कॉन्विक्शन हुआ है फॉर्मर मालदीवियन प्रेसिडेंट का बाय अ क्रिमिनल कोर्ट बीच में एक्चुअली मालदीव जो है ना मालदीव ट्रेडिशनली इंडिया के साथ काफ़ी क्लोज रहा है इंडिया के साथ काफ़ी क्लोजर टाइज भी रहे बट फिर एक ऐसा फेज़ आता है कि यहाँ पे चाइना की प्रेजेंस बढ़ने लग जाती है चाइना की प्रेजेंस बढ़ने लग जाती है और इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो शॉर हो जाते हैं तो दैट इज़ बाय ये जो फेज़ होता है इसमें आप देखना जैसे इंडियन विजिट भी नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर साहब इन फर्स्ट टर्म विजिट नहीं हुआ मालदीव का मालदीव विजिट नहीं हुआ जबकि मालदीव हमारे नेबर कंट्री है बट हम वहाँ पे नहीं गए सो ऐसा एक दौर आता है और वो दौर होता है इस प्रसिडेंटशिप में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रिलेशन हैं वो वापस नॉर्मल होते हैं मिस्टर यामीन हैड अ रफ़ रिलेशनशिप विद इंडिया ड्यूरिंग हज प्रेसिडेंशियल टर्म और एक कई बार ऐसे कैंपेन्स भी चलते हैं जो फॉरेन फंडेड होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को वहाँ पे गाइड करने की कोशिश करते हैं, तो दिस uh, मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन भी चला था तो रिलेशंस नोज़ नोजडा हुए थे बट अगेन जो इंडिया की पॉलिसी है जैसे कल हमने देखा था गुजराल डॉक्ट्राइन एट्सट्रा इंडिया हमेशा से एक हेल्पिंग फ्रेंड की तरह यहाँ पर रहा है तो मालदीवस की जो भी डिफिकल्टी आई एनवायरमेंट रिलेटेड या फिर वाटर शॉर्टेज हो गया फूड शॉर्टेज हो गया वैक्सीनेशन कोविड नाइनटीन एवरीथिंग इंडिया ने फर्स्ट रेस्पोंडर का काम किया है तो इंडिया हमेशा फर्स्ट रेस्पोंडर रहा है फर्स्ट रेस्पोंडर सबसे पहले हेल्प इंडिया की तरफ से आती है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मालदीव्स ने भी इसको रियलाइज़ किया और वहाँ के पॉपुलेशन ने भी कि इंडिया आउट ये एट टाइम्स मैन्युफैक्चर्ड कैंपेन होता है सिनेस्टर डिज़ाइन होता है तो अब रिलेशन नॉर्मल हो रहे हैं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एड दे रहा है क्रेडिट लाइन दे रहा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है देन हानिमाधु एयरपोर्ट है देन दिस इज क्रिकेट स्टेडियम है पोर्ट है तो विजिबिलिटी है यहाँ पे मिलिट्री एक्सचेंज भी वापस स्टार्ट हुआ तो रिलेशनस अभी काफ़ी नॉर्मल हो रहे बट अगेन इंडिया और अगेन मालदीव्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस डिफ़िकल्ट टाइम पे ये जो फ्रेंडली रिलेशनस हैं नेबर्स के बीच में ये बहुत ज़रूरी है दैन चेंजिंग फीचर्स ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया लेवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड अब सी यहाँ एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट दिया है कि हम साइबर टेक्नोलॉजी में जो ओ टी पी है वगैरह इससे बेटर अगर हम वॉइस टेक्नोलॉजी वॉइस आइडेंटिफिकेशन को दें तो वो ज़्यादा फुल प्रूफ हो सकता है जैसे जैसे डिजिटल प्रजेंस बढ़ा है साइबर फ्रॉड्स के चांस भी बढ़े हैं तो इसमें क्या होता है जैसे डिजिटल पेमेंट है टेलीफोन बैंकिंग है ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज़ हैं यहाँ बहुत सारे फ्रॉड्स के केसेस आ रहे हैं आजकल ये ओ का फ्रॉड भी बहुत चल रहा है यू पी का फ्रॉड सो बी वेरी वेरी केयरफुल तो ये एक इमरजेंस इमरज टेक्नोलॉजी है जैसे वॉइस टेक्नोलॉजी है इसमें वॉइस के बायोमेट्रिक्स है जैसे स्पीच रिकोगशन एट्सट्रा स्मार्टफोन्स जो इसको यूज भी करती है ऑल ये भी बहुत फुल प्रूफ नहीं होता है इवॉल्विंग है इमरजिंग है बट इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये लेस कम्बर्जम है ये सिक्योर ज़्यादा होगी और जैसे डीप फेक्स आ रहे हैं डीप फेक्स आ रहे हैं उसमें भी ये बेटर परफॉर्म कर सकती है सो so, फ्रॉड्स जो हैं और आइडेंटिटी थेफ्ट है इसको दूर करने के लिए हमें वॉइस बायोमेट्रिक्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए वॉइस बायोमेट्रिक्स बायोमेट्रिक्स मतलब इट इज़ लाइक समथिंग लाइक रिलेटेड टू से योर आई फेशियल एट्सट्रा दिस इज़ बायो ये हर पर्सन का एक यूनिक हो सकता है एवरी इंडिविजुअल का यूनिक पैरामीटर्स हो सकते हैं तो ऑथेंटिकेशन में फ्रॉडस्टर्स स्कैम करते हैं कई बार ओ स्कैम होता है तो वॉइस टेक्नोलॉजी चीप भी होगा इज़ीली इंप्लीमेंट भी हो सकता है कोई स्पेशल डिवाइस भी नहीं चाहिए रिमोट आइडेंटिफिकेशन नॉन इन्वेजिव पोर्टेबल ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करेगी वॉइस टेक्नोलॉजी पासवर्ड शेयरिंग वगैरह एट्सट्रा भी यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं आएगी तो ये यहाँ पे एक पिच किया है इन्होंने कि जो वॉइस टेक्नोलॉजी है इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए 5G ज़्यादा आ रहा है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फेशियल रिकॉग्निशन में भी एरर्स होते हैं तो वॉइस टेक्नोलॉजी के थ्रू बिकॉज हर किसी की वॉइस अलग होती है उसमें एरर रेट भी कम होगा आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा बेटर सेफ़ हो सकती है फ्रॉड स्टर्स यहाँ पर स्कैम्स कम कर पाएंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है अब इसमें एक डिफ़िकल्टी ये भी है क्या यहाँ पे मिमिक नहीं हो सकता वॉइस मिमिक या हम टेक्नोलॉजी को इतना फुल प्रूफ करें कि रिकॉर्डेड वॉइस या फिर डीप फेक अगर वॉइस के थ्रू कुछ उसको कलेक्ट करके आर्टिफिशियल साउंड सिस्टम बना दिया उसने तो वो फिर उसको कैसे डील करेगा ऐसे इसमें फर्दर लेयर्स इसमें देखने होंगे बट जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि साइबर फ्रॉड्स हैं तो टेक्नोलॉजी को फुल प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है देन शुड इंडिया रिव्यू इट्स पोजिशन ऑन तालिबान तालिबान में जिस तरीके से जेंडर इनसेंसिटिविटी है और डिक्टेट्स हैं लाइक वुमेन को वर्क पार्टिसिपेशन एजुकेशन प्रोवाइड नहीं है डिनाई है इस पर क्या इंडिया को रिव्यू करना चाहिए पोजिशन तालिबान पर ये डीप इनसाइड फॉरेस्ट है पॉकेट्स ऑफ मॉडर्निटी इन अ वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिशन टू तो सी ये ओडिशा है और उड़ीसा की बॉन्डा ट्राइब है ये ट्रेडिशनली बीड्स को यूज़ करते हैं स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ को यूज़ करते हैं टू कवर देयर बॉडी अब ये मॉडर्न अटायर भी यहाँ पर आ गया है जैसे नाइट गाउन है ट्रेडिशनल बीट्स हैं तो अगेन जो ट्राइबल्स हैं ना ये ट्राइबल्स बहुत टाइम तक बहुत टाइम तक जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे थोड़ा दिस डिसकनेक्टेड रहे तो दैट इज़ वाई हम शेड्यूल शेड्यूल शेडुल्स में ये भी बात करते हैं और इवन पेसा में ये बात करते हैं कि जो ट्राइबल आइडेंटिटी है कल्चर है उनको सर्टेन और राइट्स वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए अवर एम इज नेवर कि हम वहाँ का जो ट्रेडिशन है जो वैल्यू है द वे ऑफ लाइफ है उसको हम ऑल्टर करें आउटसाइड वर्ल्ड के कॉन्टेक्ट में आके उसको ऑल्टर करें देन दिस इज सी ए डी सी वाइडन हुआ है रोड एक्सीडेंट्स दिस इज अगेन सीट बेल्ट एंड सिविलियंस देन दिस इज अफगात यह कर्नाटक महाराष्ट्र का बॉर्डर रो है वी विल कवर इट लेटर बाद में देखते हैं इसे अभी यहाँ पे बड़ा सेंटिमेंट आर हाई कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर रो दैन वीडियोकॉन एंड इसका केस है तो यहाँ पे क्या होता है कई बार जो पोजीशन है आपकी पोजीशन है उसको आपने मिसयूज़ किया पावर को मिसयूज़ किया तो सच टाइप ऑफ एथिक्स वहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बात है कि एज अ पोजिशन आई चीफ में यहाँ क्या अब्यूज़ किया पावर्स को लोन्स पास करने के लिए एक्सटेंडिंग लोन्स टू वीडियोकॉन ग्रुप तो इस पे अभी, see, अभी पर अभी लेटेसी अभी यहाँ पर इंक्वायरी एंड दिस इम्प्लीकेशन चल रहा है यहाँ देन ट्रायल एंड एरर सुपर हीरो थीम्ड सिनेमा और यहाँ पर इवन होम आर समाइम्स नोट सी कई बार हम अपनी एक इमेज बना लेते हैं जैसे आवाज टॉकिंग टू वन स्टूडेंट वो बोलता है मैं डेली सेवन एट आवर्स पढ़ाई करता हूँ बट दो दिन से पढ़ाई नहीं हुई नाउ आई एम फीलिंग वेरी बैड लाइक दिस तो सी ऐसा कहाँ लिखा है कि एवरी डे हम सेवन एट आवर्स स्टडी कर पाएंगे हाउ इज़ इट पॉसिबल हर दिन एक जैसा नहीं होता है हर दिन एक जैसा नहीं होता है आप ये वीडियो देखते हो आपने नोटिस किया है हर दिन का वीडियो भी एक जैसा नहीं होता समटाइम्स समटाइम्स चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है समटाइम्स उसमें गूफ भी होता है कई बार मिस्टेक भी हो जाता है सो द पॉइंट इज दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग दिस हैपन्स तो इवन होमर समटाइम्स नॉट्स इसका मतलब होता है इट मीन्स दैट इवन द बेस्ट पीपल में ओकेशनली बी डल और मेक मिस्टेक्स तो मिस्टेक्स होना कोई बुरी बात नहीं होती है टू एयर इज ह्यूमन आप वर्क कर रहे हो वो ही तो मिस्टेक करेगा जिसने वर्क ही नहीं किया उसको क्या पता मिस्टेक्स क्या होती है सो so, डरना नहीं चाहिए दिस इज विद रेफरेंस टू सम ऑफ द डल एन अनस्टिंग पैसेज इन होमर्स एपिक सो अगेन डरना नहीं चाहिए वर्क करो जितना वर्क करोगे उतना रिफाइनमेंट आएगा सो दिस इज दैर अब जैसे अ, इसका और भी यूज हो सकता है टू मेक अ मिस्टेक एज इफ अ स्लीप और हाफ स्लीप जैसे दोपहर की नींद कृष्णा इज जनरली अलर्ट बट आई कॉट हिम नॉट द अदर डे टू तो, नॉड मतलब हामी भरना टू इंडिकेट बाय मतलब हामी भर दी ऑन द बाई मतलब अप्रूवल विदाउट टेकिंग अ वोट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया रिपोर्ट ऑन द नॉट वोट नहीं किया सीधा सीधा अप्रूव उसको हो गया तो इंग्लिश इज अगेन अ फनी लैंग्वेज वर्ड यही है बट इसके मीनिंग्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं अब इंग्लिश में फ्रेंच एक्सप्रेशन भी आ जाता है जैसे कि ये एक वर्ड है और इसका प्रोनाउंसिएशन है रेजोंडटा इसका मतलब होता है रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर अ थिंग्स एक्जिस्टेंस ये हो रहा है तो वॉट इज द रीजन बिहाइंड इंस्टीट्यूशन हेज ऑलमोस्ट सीज टू हैव दिस सो वट इज द रीजन देन अवर केबिन क्रू विल बी ओनली टू हैप्पी टू असिस्ट यू टू हैप्पी टू असिस्ट यू सो मतलब कई बार हम वेरी के सेंस में यूज कर सकते हैं मतलब वी आर वेरी मच हैप्पी तो वी आर टू हैप्पी ओके और लाइक ही इज नॉट टू वेल देन दिस कॉफी इज टू हॉट लाइक लाइक दैट ओके तो दिस इज द एंड वॉट इज द करेक्ट यूज ऑफ टी एच आफ्टर रोमन न्यूमरल्स जैसे हम जैसे फिफ्थ बोलते हैं जॉर्ज फाइव नहीं होगा दिस इज जॉर्ज द फिफ्थ होता है जॉर्ज द फिफ्थ तो दिस इज अगेन कल्चर इंग्लिश इज़ फनी कॉन्कॉम्बिटेंट का मतलब होता है अटेंडेंट एकॉम्पेनिंग कोलेटरल एंड इवेंट दैट है सेम टाइम और एज ऑ इन कनेक्शन विद अनादर तो वो साथ में चल रही है कॉन्कॉम्बिटेंट है वो दैन ये डिफरेंट फूड क्विजीन अक्रॉस द इंडिया है और दिस इज पैट्रियाटिक सिटीजेंसी पेट्रिटिज़म होना चाहिए आज की डेट में जो नेशन्स बने हैं वो बने हैं बेस्ड ऑन साइ नेशन आइडेंटिटी सो आवर आइडेंटिटी इज़ इंडियन सो आवर पेट्रियाटिज्म इज शो टूवर्ड्स अवर दिस इंडियन कंट्री इंडिया सो नीड पैट्रियाटिक सिटीजन्स इन बॉर्डर विलेज फॉर नेशनल सिक्योरिटी बिकॉज ये सबसे आगे रहते हैं और इनका पैट्रियाटिक और इंडिया सेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लोकल पीपल दैन दिस इज देर और मालदीव्स प्रोबिंग थ्रेट टू इंडियन हाई कमीशन एंड देन दिस इज डिस्पाइट कफल दिस सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स एयरक्राफ्ट एंड रशियन मिसाइल बराज बैटर्स यूक्रेनियन सिटीज नैतनयाहू फिर से बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इज़राइल चाइना कोविड नंबर आ नहीं रहा है चाइना देन करंट अकाउंट डेफिसिट अभी हमने जो पढ़ा करंट अकाउंट डेफिसिट फोर पॉइंट फोर परसेंट का भी गैप हो गया है बट शक्तिकांता दास साहब ने यहां पर बताया इंडियन इकोनॉमी प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ ब्रेजिलियंस अमिट ग्लोबल शॉक्स टू सी दिस इज अगेन अ फैक्ट इंडिया इकॉनॉमी एक ब्राइट स्पॉट है आज की डेट में ब्राइट स्पॉट है बाकी इकॉनॉमी की ग्रोथ से इंडिया को कंपेयर करो इंडिया इज डूइंग और उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा डोमेस्टिक मार्केट डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड और एट द सेम टाइम रिफॉर्म्स इनोवेशंस और जो इंडियन माइंडसेट होता है वो काफ़ी अच्छा है और दैट इज़ व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज़ डूइंग गुड माइंडसेट इन द सेंस कि जैसे फाइनेंशियल सिस्टम को हम बफर कर रहे हैं स्ट्रेंदन कर रहे हैं फिनटेक इनोवेशन ये है माइंड जैसे इंडियन जुगाड़ होता है सो दैट इज़ वाई इनोवेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन सब चीजों से और अभी जो एंटरप्रेन्योरशिप का भी माइंड बढ़ रहा है इन सब चीज़ों से इकोनॉमी को काफी फायदा हुआ है देन 5G जी स्मार्टफोन शिपमेंट बढ़ेगा बैंक फंड रेजिंग स्पी टू कॉन्टिन्यू और ये है पेले पेले गुड बाय लेजेंड पेले कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एवर फुटबॉल प्लेयर ब्रिद हिज लास्ट ऑन थर्सडे तो दिस इज पेले फुटबॉल चैंपियन